हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय द फूड। आज हमारे किचन में बन रही है साबूदाने की टिक्की, जो आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 5 छोटे उबले हुए आलू, फिर मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। अब भीगे हुए साबूदाने में डालेंगे उबले हुए आलू, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, काली मिर्च 1 चम्मच, सेंधा नमक 1 चम्मच, और सबको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर गोल शेप दे देंगे। इसी तरह से गोल शेप देकर सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली है। आप भी इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लें। अब एक एक करके सारी टिक्कियों को तेल में फ्राई करेंगे। इसे धीमी आंच में सेकेंगे ताकि ये टिक्कियाँ ऊपर से क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट बने। फिर इसे हम पलट लेंगे। देखिए, हमारी साबूदाना टिक्की कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो देखिए, हमारे तेल में फ्राई किए हुए थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और हम साबूदाने की टिक्की को कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम उसी नॉनस्टिक तवे पर इसको फ्राई करेंगे। एक एक टिक्की इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तेल डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसको पलट लेंगे। देखिए, अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से कम तेल में बनाकर खा सकते हैं। अगर आप इसे चाही चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे नवरात्र में बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।